तो गाइस पैकिंग हो चुकी है हमारे अल्मोड़ा जाने के लिए। घर जाना ही से पड़ेगा घर से। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया इस बीच, लेकिन जाना ही पड़ेगा क्योंकि कर्म क्षेत्र भी जाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बात यह है कि मैं जब पहली बार गई यहाँ से, जिस दिन मैं मतलब यहाँ घर छोड़ के गई, उस दिन मैं कुछ नहीं ले गई, वैसे ही चली गई। तो अब क्या है कि कपड़े वहाँ पे कम पड़ रहे हैं, और दूसरा वहाँ बरसात में तो ठंड शुरू हो जाती है, तो ठंड के लिए इतने कपड़े ये बना रखे हैं। और अभी जो हमारे ये है इनमें भी कपड़े नहीं आ रहे हैं, अटैची बैग और वगैरह में। देखो मेरा तो पूरा ये वाला बैग पूरा फुल है, और ये वाला भी। ये देखो, ये लगती नहीं मुझे, मैं बड़ा हूँ ना, मैं खुद लाने या खुद कपड़े लग गया हूँ, और खुद मेरी हाथ की ना मार खाने लग गया हूँ। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं मॉल तक, और कुछ सामान हम अल्मोड़ा के ले आते हैं और कुछ सामान ले आते हैं हम अपने घर के लिए, छोटा मोटा आइटम, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। तो हम लोग चल रहे हैं, हमारे साथ है गरिमा और लक्षा भूवी, और हमारी बिटिया भी आ गई हैं आज, हर्षिता और दीप्ति। आ जा। तो दोस्तों कल मॉर्निंग में हमें निकलना है, अर्ली मॉर्निंग निकलना है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि वहां पर जाम लगता है खतरनाक। ये आ गया हमारा मूसा। तो दोस्तों 2 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, सब लोग आ गए हैं। 2 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव पे आ जाओ, अब माता जी भी आ गई। अब तो हमारी ईजा तो घूमने की, ईजा कहती है बैठे रहूंगी मैं, बस रुकना भी नहीं, बस चलाते रहो गाड़ी। तो तालाब में जा रही है गाड़ी गाइज, तालाब में से होते हुए पहली बार तालाब का मजा ले रहे हैं हम लोग। बोटिंग नहीं कराई कहती है ना ये गरिमा, ऑफ रोडिंग। तो गदर की ऑफ रोडिंग कर दी हमने, ये गाड़ी ऑफ रोडिंग वाली तो है नहीं, पर आगे एक और तालाब। वो देख रही है नीचे को, देखो नई जी की यार, ये तूने पैंट में जूता लगा दिया। किस लगाया पैंट में जूता? चार जगह पे तो फटी हुई है ये जींस, छी देख तो जा तेरी नातनी कैसी जींस पहन रही है, फटी फटी क्यों लाई तू यहाँ? छी छोड़ के चले जा, ए मार खाई तो ईजा गुम हो गई है यहाँ, पता नहीं वो पहले से घूम रही थी, आगे निकल गई वो। ईजा कहाँ गई रे? भभूरी गई है ईजा तुम्हारी, झाड़ू लेके घूम रही है। दोस्तों रेट ना वहाँ के मॉल के, अल्मोड़ा के मॉल के और यहाँ के लगभग सेम है, तो अब मैं सोचूं कि इतने में ठप कर दी जाए परचेजिंग। रेट ना बराबर है यहाँ के और वहाँ के। तो जो बच्चे ना पका पकाया खाते हैं ना, वो भी किचन का सामान देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखो इन बच्चों को, वाह पूछो क्या बनता है इसमें, क्या बनता है बेटा इसमें? कुछ नहीं, पागल बना रही है बेटा, जो एग खाते हैं उन लोग ले हम एग। छी, हाँ एग वाला है यार ये, हट। इडली वाला है ये, गधी है। गधो गधी, इसको लगाएंगे कहाँ पे? आए हाय, नीचे से पानी ऐसे 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 करके। कुल्फी ले लो, भूभी के लिए मत लेना बस। अरे लेना है, लेना है, लेना है, लेना है यार, मजाक कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। तो दोस्तों सामान ले लिया हमने, और जिसमें कि जो है 300 रुपये का कूचा भी लिया है। ये झाड़ू 300 रुपये के लिए पहली बार जो है सबसे महंगा झाड़ू लिया मैंने लाइफ में। आहा अकेले अकेले। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, अब हम लेते हैं थोड़ा सा आम। आम के बिना हमारा भूख नहीं लगता है, रात को भी सुबह भी दिन में भी 3 टाइम हमें आम चाहिए। भैया ऑनलाइन ले लेते हो? आम ले आया हूँ। हाँ गाइस आगे हैं आम खूब सारे। भूवी कैसे लग रहा है आपको? है आमों को सूंघ रही है, धोखे खाते हैं वही सूंघ रही है यार आमों को। छी तो बल गई, मेरा पेट एकदम मोटा हो गया। गाइस पहुंच गए और सब निकलने बाहर को। तो दोस्तों आज हो गया एक छोटा सा कांड। कांड क्या हुआ बताऊं आपको, वो झाड़ू लिया था हमने, एक तो महंगा झाड़ू, ऊपर से ये लोग उसको वहीं भूल आए। फिर मैं भागा और यहाँ से गया रिलायंस गया, वहाँ पर जो है रिलायंस जाने के लिए ना मेरे को ऑटो ही नहीं मिला, और दिनों तो इस रोड पे इतने ऑटो रहते हैं, आज उस समय उस पर्टिकुलर मोमेंट मतलब टाइम पे एक भी ऑटो नहीं मिला। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं वॉक पे, और आज ये वॉक हमारी यहाँ हल्द्वानी की
और उसके बाद कल से जो वॉक होगा क्या खावा को पारा करके जाएंगे और कैसे जाएंगे आगे वाले कट से इधर से यार आओ तो सही। तो दोस्तों कल वाली जो वॉक होने वाली है वो होने वाली है अल्मोड़ा में, ठीक है। तो आज हल्द्वानी की वॉक है, उसके बाद अल्मोड़ा में, और जब तक फिर छुट्टियां नेक्स्ट छुट्टियों में आएंगे तो यहाँ पर करेंगे वॉक। खतरनाक जमा हो गया है, अब आराम से आना, गिरना मत बेगम। इन्होंने अच्छा वो बताया, ये कह रहे हैं कि जिसको कोई गम ना हो वो बेगम। तो दोस्तों आज हम इस एरिया में जा रहे हैं, पहले हम इसी लंबे वाले एरिया में घूमा करते थे। दोस्तों 3-4 किलोमीटर 4 या 5 किलोमीटर हम लोग पैदल चल चुके हैं, और हम छड़ायल से ले रहे हैं ऑटो, मतलब ऑटो या टुक टुक। तो आज हम सोच रहे हैं अपनी हल्द्वानी घुमा जाए यार, कल से तो फिर वही अल्मोड़ा है। तो सेंटर चलो मैं भी आ जाऊं। नाना तुम यहीं रहो। तो दोस्तों मौज शुरू हो गई आज हमारी, और यहाँ पर आज होगा नगर का टूर, नगर भ्रमण पर निकले हैं मैं दोनों महाराज महाराज नगर भ्रमण पर निकले हैं कपल। तो दोस्तों आज हमारे बच्चे आए हैं हर्षिता और दिव्या, तो आज उनके आने के अवसर पर ईजा ने और मैंने मिलकर के जो है पार्टी आयोजित की है। भूवी ने वहाँ पर छोटी वाली आइसक्रीम खाई थी, बोला था मुझे मैं ब्रिक नहीं खाऊंगी, और ये हमारी हर्षिता खाने मजाक कर रहे, खा ले। सुनो एक बटर स्कॉच एक रबड़ी, अरे यार रबड़ी वाली अच्छी लगती है ना ये, और निकल गए लबड़ी नहीं रबड़ी। तो हमारे पार्टी के आयोजक पार्टनर हमारे आ गए हैं, तो इस पार्टी में मैं और ईजा पार्टनर हैं। हाँ ये 30% के पार्टनर है, इसने पूरे पैसे नहीं दिए। तो दोस्तों आज बच्चे भी आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और कल हम चले जाएंगे। तो बच्चे आ गए हैं, हर्षिता और दिव्या आ गई हैं, तो मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ईजा लोग अकेले नहीं होंगे, तो ये सबसे अच्छी बात हो रही है। तो गाइस यहाँ पे किचन में लक्ष्य और ये तीनों, अब वो देखो भूवी कैसे वहाँ पर, वो अब ये खा चुकी है यार, जब ये खा चुकी है ये अब मार खाएगी ये तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है वहाँ पे बच्चे हमारे, वो देखो कैसे चाट रही है ये हाथ तुम्हारी, पापा की इज्जत इसने ना सरेआम, पापा की परी ओए पापा की परी देखो भाई। तो गाइस यहाँ पर चल रही है तैयारी चाउमीन की, अब शाम को आज यहाँ चाउमीन बना रहे बच्चे ये, ज्यादा अच्छी बनाती है। और यहाँ पर कौन बना रहे चाउमीन, तो हर्षिता और लक्ष्य चाउमीन बना रहे हैं, हर्षित चाउमीन लेके आ गया, और वहाँ पे वो दिव्या हमारी जो है वो कर रही है, दिव्या हमारी वेजिटेबल्स काट रही है, और मम्मी हमारी ऐसे मजे ले रही है। ये गाइस गदर गदर हो रहा है यहाँ पे ये देखो, और डिस्टर्ब कर रही है इनको भूवी का। तो गए चाउमीन फाइनली तैयार हो चुकी है इसमें, और हमने चाउमीन आज इंजॉय करी, बहुत ही बढ़िया रही, सक्सेसफुल पार्टी रही चाउमीन की। ये देखो भैया यहाँ नंबर लग गया, ये देखो आज तो नाती पोतिनों की सेवा।